मैं विनोद चौधरी आपका वीके सी मैथ सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज सेकंड। तो एक्सरसाइज सेकंड में अपन शुरू करेंगे सबसे पहले 2.4। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेकेंड। तो अपन सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 करते हैं जो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों में से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, ये लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर ऐसा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा आपको ये बताना है कि जो रेशनल नंबर जो प्रीमेय संख्या दी गई है ये टर्मिनेटिंग ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत रिकरिंग यानी ये रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती टाइप की संख्या है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें ये दो टाइप के क्वेश्चन है। तो इस पहले टाइप वाले जो क्वेश्चन में एक में तो आपको डिवाइड करके फिर बताना है कि किस टाइप की संख्या है और एक में इसमें बिना भाग दिए आपको डायरेक्ट उस संख्या को देखकर बताना है कि किस टाइप की संख्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो हर में संख्या दी हुई होगी उसके आप फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो इस 1600 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो ये रफ वर्क में आपको करना है इसका, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो ये फैक्टर करना तो आपने फोर्थ फिफ्थ क्लास में सीख चुके हैं। जैसे सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये 800 आ जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होने पर ये 400 आएगा। 400 भी 2 से डिवाइड होता है तो ये 200 आ गया। ये भी 2 से डिवाइड होता है तो ये 100 आ गया। और ये भी 2 से डिवाइड होता है तो ये 50 आ गया। 50 भी 2 से डिवाइड होता है तो ये 25 आ गया। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप फैक्टर करते हो तो वो प्राइम फैक्टर नंबर चलते रहते हैं। प्राइम फैक्टर के अंदर प्राइम नंबर चलते रहते हैं। तो 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आएगा। तो 3 का क्या रूल है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 और 2 7, 3 से विभाजित नहीं है तो 5 का जाएगा क्योंकि 5 का क्या रूल है कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो ये 5 आएगा। अब 5 को 5 से करेंगे तो ये 1 आएगा। आपको क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर के फैक्टर आपने कर दिए हैं तो इसके पावर के फॉर्म में लिख दोगे। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई है 1 2 3 4 5 6। ये 2 की पावर तो 6 है, इनटू में 5 की पावर कितनी है 2 है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, यानी 2 और 5 ये दोनों ही फैक्टर आने चाहिए। कोई भी डिनोमिनेटर का आप फैक्टर कर रहे हो तो उसमें जो डिवाइड करने वाले अंक है वो 2 और 5 ही आने चाहिए। तो 2 की पावर m यानी m की जगह यहाँ पे कितना है 6 है और 5 की पावर n की जगह यहाँ पर 2 है। तो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है तो आप यहाँ पे लिखोगे डिनोमिनेटर यानी हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, के रूप में है। इंग्लिश मीडियम में लिखोगे डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हिंदी मीडियम में लिखेंगे हर है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अब यहाँ पर m का मान भी 0 हो सकता है और n का मान भी 0 हो सकता है। यानी n का मान 0 कब होगा जब हर केवल 2 से विभाजित होता रहे, और m का मान 0 कब होगा जब हर में जैसे 25 आ जाए, 625 आ जाए जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो इस कंडीशन में भी ये संख्या है वो
टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन के रूप में होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे अपन करेंगे। तो इसमें अगर दो और पांच के अलावा कोई, जैसे तीन आ जाए, सात आ जाए, तो इसके अलावा कोई आ जाएगा तो वो संख्या रेशनल नंबर तो होगी लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। अगर दो की घात अम इंटू पांच की घात अन के रूप में है तो वो कौन सी संख्या है? टर्मिनेटिंग है। ये इसने पूछा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स, तो इसने पूछा था अभी टर्मिनेटिंग रेशनल है या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग या रिपीटिंग है, तो ये कौन सा है? शांत प्रीमेय संख्या है। अगर शांत नहीं है तो वो अशांत प्रीमेय संख्या होगी। तो अशांत होने के साथ साथ वो क्या होगी? आवर्ती होगी उसमें। तो ये संख्या है उसको आप क्या लिख दोगे? ये टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है। तो एक नंबर में आपको ये इतना करना पड़ता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर, पूछा हुआ भी है। अब आगे फर्स्ट का इस सेकंड पार्ट, 13 upon 3125, 13/3125 आपको बताना है कि ये शांत प्रीमेय संख्या है या अशांत प्रीमेय संख्या है। तो इसमें भी आप 3125 के आप फैक्टर करोगे, आप गुणनखंड करोगे, तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको ये मिलेगा। मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ। जब आप इसमें 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड होगा ये, क्योंकि ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। 3 का क्या रूल है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो ये 3 और 1 4, 4 और 2 6, 5 11 हो रहे हैं, तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का जाएगा, क्योंकि 5 का रूल है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से आप भाग दोगे तो इसमें 625 आएगा, 625 फिर 5 से भाग दोगे आप तो 625 में भाग देने पर 125 आएगा, फिर 125 में 5 का भाग दोगे तो 25 आएगा, 25 में 5 का भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 में 5 का भाग दोगे तो 1। तो यहाँ 5 की घात कितनी हो जाएगी? ये 5 हो गई है। अब यहाँ पे अपने पास 2 नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि 13/0 और 5 है, वो कितने लिख दी? 5 लिख दी। 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 से आप किसी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर आप इसको इस तरह से भी लिख देते हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया है डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ 2 की घात 0 और 5 की घात 5 है। तो आप लिख दोगे कि डिनोमिनेटर हर है जो इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। तो ये कौन सा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग रेशनल हो गया। यानी शांत प्रीमेय हो गया ये। तो बोर्ड एग्जाम में ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, 23/2 3 × 5 2। अब यहां देखो फैक्टर किए हुए पड़े हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में फैक्टर किए हुए नहीं आते हैं, आपको फैक्टर खुद को करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में दे ही रखा है, तो आप यहाँ पे ये सेम डायरेक्ट लाइन लिख दोगे कि हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। तो ये जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है ये सेम का सेम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और ये कौन सा नंबर है? शांत प्रीमेय संख्या, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ये। तो ये सेम का सेम यहाँ पे दोनों लाइनें हो जाएगी रिपीट, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्टर तो करने ही नहीं है हर के, तो ये किए हुए पड़े हैं। अब 17/6 है तो आपको हर के फैक्टर करने हैं। तो 17/ आप इस 6 के गुणनखंड करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 3। अब यहाँ पर ये जो दोनों की पावर जैसे 1 1 है, तो ये 2 × 5 की पावर नहीं आई है, ये 2 के साथ 3 आ गया है। तो क्या ये इस फॉर्म में है? 2
टू की पावर m इंटू फाइव की पावर n, तो आप कहोगे सर ये नहीं है क्योंकि इसमें तीन एक्स्ट्रा आ रहा है, तीन नहीं आना चाहिए, दो अकेला आ सकता है, उसके साथ तीन सात वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर कौन सा है, आप लिख दोगे कि डिनोमिनेटर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज ए नॉट ए फॉर्म ऑफ टू की पावर m इंटू फाइव की पावर n, हर है वो दो की घात m इंटू पांच की घात n के रूप में नहीं है, हर दो की घात m इंटू पांच की घात n के रूप में नहीं है। अगर ये इस रूप में नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, ये नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी ये अशांत आवर्ती, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आगे इसका पांचवा क्वेश्चन, पांचवें में देखो दो आ रहा है पांच आ रहा है लेकिन उसके साथ सात भी आ रहा है, तो अगर ये दोनों आते तब तो ये टर्मिनेटिंग था, अब उसके साथ सात और आ गया तो आप क्या लिख दोगे, ये सेम लाइन लिख दोगे पूरी की पूरी कि डिनोमिनेटर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन, तो ये कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग टाइप का नंबर है, तो ये सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ये। अब आगे सिक्स में, तो सिक्स के अंदर आप फैक्टर करोगे 50 के, तो 35 अपॉन ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते ही कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 25 अब वो 5 से डिवाइड होगा तो ये 2 इंटू फाइव की पावर 2 हो जाएगा, तो ये कौन सी फॉर्म में है, 2 की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन, तो ये अपन तीन चार बार पहले लिख चुके हैं, तो आप लिख दोगे कि हर है वो 2 की घात एम इंटू पाँच की घात एम के रूप में है, तो अतः कौन सा नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, शांत प्रिमेय संख्या। तो जो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखा जाता है वो तो है शांत प्रिमेय संख्या, और जो नहीं लिखा जाता है वो अशांत प्रिमेय संख्या है। अब आगे क्वेश्चन नंबर सातवां, सात में 80 का भाग देखना है और आपको बिना भाग दिए बताना है, अगर आप 80 का भाग देकर देखोगे तो आपके पास जो डेसिमल में आंसर आएगा वो आपको आगे एक्सरसाइज में अपन इसी का सेकंड क्वेश्चन अपन करेंगे, तो उसमें आपको डेसिमल में निकाल करके फिर बताना है कि ये रेशनल नंबर है या टर्मिनेटिंग टाइप का या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो सात में 80 से भाग दे रहे हो तो आपको हर के गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 80 के जो फैक्टर करोगे तो ये 2 की घात, आप 2 का भाग दोगे तो 40 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 20 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 10 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा, फिर 5 का भाग दोगे तो 1 आएगा, तो 2 की घात कितनी हो गई 4, और इंटू में 5 की घात कितनी हो गई है 1, 2 की घात 4 16 होता है, 16 5 80, तो ये हर भी 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, तो आप लिख दोगे डिनोमिनेटर इज ए फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, तो ये कौन सा हो गया, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया, शांत प्रिमेय संख्या है, हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, तो ये शांत प्रिमेय संख्या है। तो इस पहले प्रश्न में आपको बिना भाग दिए बताना है ये किस टाइप की संख्या है। अब दूसरा प्रश्न करोगे तो उसमें आपको डेसिमल में निकालने के बाद बताना है कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर है। अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल वेदर दे आर टर्मिनेटिंग, ये जो आपको दशमलव में व्यक्त करने के बाद बताना है ये शांत प्रिमेय संख्या है, शांत प्रिमेय संख्या तो है और आपको इसको दशमलव में व्यक्त करने के बाद आपको ये बताना है कि ये शांत प्रिमेय संख्या है। तो इसका जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, तो इसको करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे करना है, कि आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने तो आपने अभी सीख लिए, इसका जो पहला क्वेश्चन किया था, तो पहले तो आप वो फैक्टर कर दीजिए,
थर्टीन अपॉन ये 125 है, तो ये 5 की पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो ये इतना तो आप पहले कर चुके हो, तो ये 13 अपॉन, देखो यहाँ 5 या ओनली 2 नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 0 इन 2 में 5 की पावर 3। इतना आप पहले क्वेश्चन में कर चुके हो, तो इतना तो आपको सेम करना है। अब ये जो मैं इधर साइड में बता रहा हूँ ये आपको करना नहीं है, ये अपन जो भी इसके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये हिंट यूज करना आपको। तो आपको क्या करना है कि हर के अंदर जो गुणनखंड आ रहे हैं घात के रूप में, जो फैक्टर आ रहे हैं पावर के फॉर्म में, उसको आपको इसी फॉर्म में व्यक्त करना है। जैसे आप अगर 2 की पावर 1 है तो वहाँ 5 की पावर भी 1 होनी चाहिए, तो वहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 5, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो पावर रूल के अकॉर्डिंग। इसकी पावर 1 हो गई तो ये 10 की पावर 1 यानी कितना है, ये 10 है। अगर 2 की पावर 2 हो और 5 की पावर भी 2 हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर है 2, कॉमन पावर इसकी 2 हो गई। अब ये हो गई 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 कितना होता है, ये 100 होता है। अब अगर 2 की पावर 3 है तो वहाँ 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हो गई 10 की पावर 3 यानी ये 1000 हो गया है। अगर 4 पावर होती है तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर भी वहाँ 4 होनी चाहिए, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर है कॉमन पावर इनकी 4, तो ये 10 की पावर 4 यानी ये 10000 हो गए। मैक्सिमम आपके यहाँ तक ही आएगा, 4 तक, यानी दोनों में जिसकी पावर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर भी आपको यहाँ 3 लेकर आनी पड़ेगी। इसके लिए आपको आंसर में गुणा करना पड़े, वो प्रोसेस आपको करनी है। 2 और 5 की पावर दोनों सेम कर लो आप, सेम करने के बाद उसको आप 10 की फॉर्म में लिख दोगे। दोनों 3 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, 4 है तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 3 है, तो एग्जाम में कभी भी दोनों सेम नहीं आएगी, आपको करनी पड़ेगी सेम। तो इसमें आपको सेम करने के लिए क्या करना है कि जो ज़्यादा पावर है जिसकी, उतनी जो कम पावर वाला है उसको आपको मनाना है। 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 0 है, तो आपको 2 की पावर 3 लेकर आना है। तो यहाँ पर आपको 2 की पावर 3 चाहिए, क्योंकि 0 है तो 0 में 3 ऐड करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो आपको जो बराबर करने के लिए भी इस रेशनल नंबर में कोई चेंजेज नहीं हो, तो अगर आप हर में गुणा कर रहे हो तो अंश में भी आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि 13 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर ये 3 तो था, अब आप यहाँ पे क्या लिख दो कि मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर। तो आप इसमें 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप 2 की पावर 0 नहीं लिखते हो तो भी सही है, आप ओनली 5 की पावर 0 पढ़े रहने जाओ इसमें डायरेक्ट आप ऐसे, लेकिन अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो एक बार फर्स्ट टाइम आप इसको कर रहे हो तो ये समझ में आ जाएगा। तो 13 इंटू में 2 की पावर 3 है तो न्यूमिनेटर वाला, तो आप इसको पावर है तो आप इस 2 की पावर 3 का वैल्यू लिख दीजिए, ये हो गया 8। और डिनोमिनेटर में जो है ये 2 की पावर हो गई, 0 में 3 ऐड होगी तो ये 3, और 5 की पावर भी 3। जब 2 और 5 की पावर 3 होती है तो ये आता है 2 इंटू 5 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 होती है। तो 13 का आप यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 13 8 जा होते हैं 104, तो ये 104 अपॉन में ये हो गई 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 यानी ये सिक्स्थ क्लास का पैटर्न आ गया है भी, हर में अगर 1000 हो तो 3 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा देते हो, तो 10 की घात 3 का मतलब ये 1000 है, तो इकाई की तरफ से यूनिट डिजिट की तरफ से
तीन अंक छोड़ोगे तो एक दो तीन तो ये है ही। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये पॉइंट यहीं लगा देते हैं ऐसे, तीन अंक हो गए तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया। अगर आपने यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 10^3 और क्या कहता है कि तीन अंक और इसको आप इधर लेफ्ट साइड में खिसकाओ। तो आपको क्या करना है, जो दशमलव लगाना है वो यहाँ नहीं लगाना है, आपको आगे आंसर में लगाना है। ये दशमलव यहाँ लगा दिया, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो ये जीरो। तो देखिए ये जो पॉइंट में आंसर आया है वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये पूरा पूरा आंसर आया है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कौन से टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल है। तो इस तरह से आपको ये करना है। ये 14,588 बटा में 625, तो इसको आप करोगे तो ये 14,588 हर के आप गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे तो 625 होता है 5^4। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे 2^2 कितनी है, 0 है ये। अब आपके पास 5^4 तो 4 है, 2^4 नहीं है यहाँ पे, तो 2^4 भी कितनी चाहिए अपने को, 4 चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2^4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिख दोगे मल्टीप्लाई 2^4 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको अंश और हर को 2^4 से गुणा करना है। तो ये आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 14,588 बटा में 2^0 है, 5^4 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2^4 से, 2^4 से, तो ऊपर तो 14,588 का मल्टीप्लाई आप 2^4 का मान होता है 16, और जो डिनोमिनेटर है उसमें आ गए आपके पास 2^4 हो गई है, क्योंकि 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 और 5^4 भी 4। अब ऊपर तो इसको 16 से आप गुणा करो, तो 16 से गुणा करने पर आएगा 233,408। अब अपॉन में 2^4 इंटू 5^4 है, तो एक लाइन अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, ये जो अंश है ये लिख दिया, उसके बाद में जो हर है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 × 5^4। अगर ऐसा लिखो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट 10^4 लिख सकते हो। अब अपॉन में 10^4 है, इसका मतलब 4 अंक छोड़ के 10,000 है, तो 4 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट 1, 2, 3, 4 पॉइंट यहाँ दोनों तीन के बीच में आएगा यहाँ पे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आप ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर दोगे, 10th लेवल के अकॉर्डिंग ये जो काम करेंगे तो ये आपका बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये आपको आंसर में लिखना है ये 23.3408। अब ये नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिवाइड है वो रुक गया है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये जो तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं ये है तो टर्मिनेटिंग ही, बस आपको चेक करने हैं कि ये आपको प्रूफ टाइप करके बताने कि ये है या नहीं है। तो एग्ज़ाम में जैसे इतनी बड़ी पावर वाला नहीं आता है, मैक्सिमम 3 वाला आता है, और यहाँ चेंजेस भी कर सकते हैं, अपॉन में ऐसा नंबर ला सकता है जिसमें 2 और 5 दोनों हो, जैसे अपन अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन 49/500। अब आप इस 500 के गुणनखंड करोगे तो 49/500 आप इसको 2 से भाग देते हो तो 250 आएगा, फिर 2 से भाग और जाएगा तो 125 आएगा, तो 2^2 हो जाएगी, और 125 होता है वो 5^3 होती है। अब यहाँ पे आपके पास पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें ओनली 1 ही आ रहा था, जैसे 5 ही आ रहा था, 2^ वहाँ पे 0 आ रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 आ गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे वहाँ पे तो 0 था और यहाँ पे जो कम घात है वो कितनी है, 2 है, तो जो ज़्यादा घात वाला होता है, चाहे 2^ ज़्यादा हो चाहे 5 हो, यानी 2^ ज़्यादा हो चाहे 5 हो, ज़्यादा पावर का हो उतनी अपने को छोटे वाले को बनानी होती है। तो यहाँ 2^2 है, 5^3 है, यानी 2^1 कम है, क्योंकि अपने को 3 चाहिए, जो ज़्यादा पावर वाला होता है उसके बराबर कम पावर वाले को अपने को बनाना होता है।
तो अपने को 2 की पावर भी 3 चाहिए, तो a की पावर कम है, तो आपको ओनली a की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, तो ये 49 बटा में 2 की घात 2 इंटू में 5 की घात 3, आप गुणा कर रहे हो 2 से, तो ऊपर तो 49 का 2 से गुणा हो जाएगा, 49 इंटू में 2 और अपॉन में आ जाएगा 2 की घात 3 हो गई है और ये 5 की घात भी 3, 49 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो गया 98 बट्टा में ये दोनों की 3-3 घात है, तो ये 10 की घात 3 हो गया है। 10 की घात 3 का मतलब 3 अंक छोड़ के 0, तो 2 है अपने पास, एक अंक और कमी है, तो जब कमी हो तो आप एक 0 लगा दीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट लग गया, तो ये जो नंबर है ये नंबर भी कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, अब यहाँ पे चेंज हो सकता है, 500 की जगह 250 आ सकता है, अपॉन में 8 आ सकता है, 50 आ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन में इनमें चेंजेस होके आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आया था वो चेंज होके आया था, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर के फैक्टर करने हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन इस साल तो ये 2 नंबर के अंदर बना था। तो ये थी 2.4 एक्सरसाइज, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। अब अपन आगे एक्सरसाइज है वो 2.1, 2, 3 वो करेंगे, तो वो अपन कल की क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।